हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूँ मैं क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे। मैं दो तीन क्वेश्चंस लिया था, तो शायद वीडियो जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन पे ही मतलब मैं देखा नहीं और बंद हो गया था। तो मैं जहाँ से बंद हुआ था वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली हम होमोजेनस वाला पार्ट तो कर लिए थे, इंटीग्रेशन वाला एक पार्ट सॉल्व कर रहे थे, वहीं पर बंद हुआ था। तो वो आया था क्या, -2/3 ln 1 माइनस पी क्यू बराबर एल एन मॉड एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एक पार्ट था क्या, वो था माइनस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन 1 माइनस पी क्यू का इंटीग्रेशन करके मुझे यहाँ पे करना। ठीक है, यदि ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करें तो ओरिजिनल क्वेश्चन था dy/dx इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में था शायद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश, तो कोई मतलब नहीं। ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने दो पार्ट सॉल्व कर लिया था, सिर्फ इस पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करके यहाँ पे रखना था। ठीक है ना, ठीक है, यो ध्यान आ गया होगा कहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया था तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यू डीटी। और फिर इसको हम फैक्टराइज कर रहे थे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी और ये इंटीग्रेशन और ये डीटी, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका हम डेरिवेटिव क्रिएट करके लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो मिटा रहा हूं मैं इसको यहां पे 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर डी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा और इस 2 को मैं 2 ना लिख के 1 प्लस 1 लिख रहा हूं। ठीक है, और सेपरेट कर रहा हूं मैं इसको, तो 1 बाय 2 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस t प्लस t स्क्वायर dt और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस t स्क्वायर dt। ये ठीक है, इसको z बोलेंगे तो ये dz लिखा है, देख सकते हो 2t प्लस 1 इसका डेरिवेटिव होगा वही ऊपर लिखा, तो ये 1 बाय z, 1 बाय z का इंटीग्रेशन ln, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 ln mod z, मतलब इसको मैं t स्क्वायर प्लस t प्लस। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर, और ये तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। क्या, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t, t का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का आधा हाफ का स्क्वायर ऐड किए और हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट किए और प्लस 1 दिए। ये ठीक है, और कर लो यार, तो ये आ गया हाफ टाइम्स एल एन मॉड के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, आप तो बाहर लिखे थी प्लस ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या बन गया, तो देखो t स्क्वायर सॉरी t प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 माइनस 1 बाय 4 दैट इज 3 बाय 4 दैट इज रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln सॉरी 1 बाय 2 ln mod t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, और मैं इसको यहां पे रख दूं। ठीक है, क्या तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 ln t स्क्वायर प्लस t प्लस 1
प्लस टू बाय रूट थ्री टाइम इनवर्स एलसीएम ले लो तो टू बी प्लस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट थ्री, ये इस ब्रैकेट में माइनस दिस इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है, देख सकते हैं। टी की जगह क्या रख देंगे वाई बाय एक्स, तो ये जाएगा वन बाय टू एल एन, अब इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चलो प्लस लिख दे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एलसीएम एलसीएम ले लूंगा प्लस टू बाय रूट थ्री टेन इनवर्स टू वाई बाय एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, फिर माइनस टू बाय थ्री एल एन वन माइनस y क्यूब बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन नहीं उस वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था तो उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, नोट कर लिया इसको। ठीक है,
ये t sin t माइनस वन, t sin t माइनस वन और ये नीचे sin t, ठीक है क्या? इस t को उधर भेज दो, x टाइम्स dt by dx बराबर t sin t माइनस वन अपॉन sin t माइनस t, ठीक है क्या? एलसीएम लोगे तो t sin t और माइनस t sin t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस वन अपॉन sin t, ये रिड्यूस हो, ठीक है क्या? नोट कर लो, ठीक है? तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, sin t dt और इस dx को माइनस dx अपॉन x, ये हो गया, उसको निकाल दे। sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t इज इक्वल्स टू माइनस ln mod x प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो यहां माइनस आ जाएगा, cos t बराबर ln mod x माइनस c, और t के जगह क्या डाल देंगे y by x, ये हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, है ना? नोट कर, स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है? ये क्वेश्चन, तो मैं डी एक्स को इधर भेज दे रहा हूं, उसको इधर भेज दे रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हाँ है, ठीक है? तो क्या होगा, पहले y by x का टर्म बना दो, तो dy by dx बराबर x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 प्लस 3 y by x, x स्क्वायर आएगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बन जाएगा, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो, ठीक है? y बाय x को t रखें तो y बराबर dx, ठीक है? तो dy बाय dx बराबर t टाइम्स dt बाय dx, सॉरी x टाइम्स dt बाय dx प्लस t, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर, दैट्स तो फिक्स स्टेप है यहां, ठीक है ना? उसके बाद सिर्फ चेंजेस कहां पे है, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, वो कुछ भी दे सकता है, बस इंटीग्रेट करना तुमको आना चाहिए, ठीक है? सर क्वेश्चन ही में क्या था, है ना? क्वेश्चन था तो dy by dx का, dy by dx की जगह तो ये लिख सकते हैं x times dt by dx plus t, ठीक है? और यहां पे था x square तो कॉमन ले लिए तो बन जाता है 3t और प्लस t स्क्वायर, ये होता है, ठीक है? इस t को उधर भेज दो, x टाइम्स dt by dx बराबर 1 प्लस ये उधर गया 2t प्लस t स्क्वायर, इसको इधर और इसको इधर, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 बराबर dx अपॉन x। अब ये देखो क्या लिखा है, तो ये तो तुमको दिख रहा होगा कि ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है बराबर dx है,
एक्स, ठीक है, नोट कर लेना। क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो न्यूमरेटर में चल जाएगा। क्या लिख सकते हैं, टी प्लस वन की पावर माइनस टू डी टी इंटीग्रेशन इसका, और ये तो एल एन मॉड एक्स प्लस, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस टू तो माइनस वन, तो माइनस वन आगे आ जाएगा और पावर में माइनस वन रहेगा, उसको नीचे लिख सकते हैं खत्म, एल एन मॉड एक्स प्लस सी। और टी की जगह क्या लिख देंगे, वाई बाई एक्स, तो y by x ऐसे लेंगे तो y plus x और ये x ऊपर चल जाएगा बराबर l mod x c। ये हो गया आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, नोट कर ले। y dx minus y dx minus 2 times under root xy minus y, 2 times under root xy minus y x, ठीक है, dy is equal to, ये क्वेश्चन तो सॉल्यूशन पहले तो dy by dx का फॉर्म बना लेते हैं, है ना, तो y dx बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट xy माइनस x और ये dy, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, हाँ बराबर dy by dx के जगह x times dt by dx plus
ठीक है, इस टी को इधर भेज दो, तो टी अपॉन टू टाइम अंडर रूट टी माइनस वन माइनस टी बराबर एक्स टाइम्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है क्या? एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, टी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई और ये प्लस टी हो जाएगा, है ना, अपॉन एक्स टाइम्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, यहां तक नोट कर लो एक बार। टू जेड माइनस वन इंटू टू जेड, अब यहां से कॉमन ले लो पहले,
टू जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, वन माइनस जेड, ठीक है क्या? डीजे टू जेड से टू और जेड कट गया, ठीक है क्या? तो ये क्या हो गया, टू जेड माइनस वन, और इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या लिखा हुआ है, जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है क्या? और यहां पे डी जेड, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन माइनस टू जेड, वही तो लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एट माइनस साइन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा वो दिख रहा है विथ माइनस साइन, है ना, ठीक है। तो एट माइनस साइन बाहर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो, यदि इसको m बोलेंगे तो ये dm लिखा, माइनस साइन dm लिखा हुआ है, तो 1 बाय m का इंटीग्रेशन ln m, तो माइनस ln m हो जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब माइनस ln m, m क्या है, z माइनस ये तो हो गया यहां के बाद, क्लियर है क्या? देख लो आराम से, मैंने यहाँ पे t को z स्क्वायर रख दिया, चेंज किए और रिड्यूस हो गया, इसमें इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, ये इंटीग्रेशन, ठीक है क्या? क्लियर। अब z स्क्वायर को क्या करेंगे, t रख देंगे, तो ये नोट कर लो, मैं यहीं पे z स्क्वायर को t रख देगा, z की जगह रूट t और ये z स्क्वायर की जगह, ठीक है क्या? तो रूट टी माइनस टी, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, नोट कर लो आराम से, बस हो गया खत्म। सिर्फ देखने में टफ लग रहा था, जब भी रूट दिखे मैं तो बोला हूं एक्स स्क्वायर रखो, है ना, तो इसको मिटा देते, तो क्या आ गया आंसर, ln mod x प्लस सी बराबर माइनस टाइम्स एल एन अंडर रूट टी माइनस, सॉरी, और टी के जगह क्या रख देंगे, वाई वाई एक्स, एल एन मॉड एक्स प्लस सी बराबर माइनस एल एन टाइम्स अंडर रूट वाई वाई एक्स माइनस वाई वाई एक्स, ये हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा तुम्हें ये भी क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन अच्छा था, ठीक है, बस नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू पहले मुझे लिख रहे हैं, वन माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई और यहाँ पे है वन माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वेश्चन है। अब देखो जो मैं लास्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट बोल रहा था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, क्या कि देखो हमेशा हम वाई बाय एक्स को ही टी ना बोल सकते, कभी कभी हम एक्स बाय वाई को भी टी बोल सकते हैं, जैसे यहां, अब जैसे मान लीजिए यहां पे मतलब वाई बाय एक्स भी तुम टी बोलोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट सोचो y by x को t बोलोगे तो e के पावर में क्या आ जाएगा, 1 by t, थोड़ा सा फंस सकते है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा x by y को ही t बोलूंगा, ठीक है। मतलब अभी तक जब हम y by x को t बोलते थे है ना, तो हम dy by dx लिखते एज dy by dx को चेंज कर देते, अब जब मैं, ठीक है यहाँ ध्यान दोगे, जब मैं x by y को t बोलूंगा तो मैं dx by dy निकालूंगा, ठीक है ना, जब मैं एक्स वाई वाई को टी बोलूंगा तब मैं डी एक्स वाई डी वाई निकाल, ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो पहले, तो मैं डी एक्स पहले तो इसको अलग सेपरेट मतलब थोड़ा
उसको उधर ले जाओ, क्योंकि सब जगह एक्स वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई में ट्रीट कर लेंगे, है ना। तो उसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स वाई वाई वन माइनस एक्स वाई वाई अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई, ठीक है क्या? ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस बार नोट कर लेते हैं, पहले मिटा देंगे ऊपर ही। ठीक है, तो मैं इस बार क्या करूंगा, इस बार मैं x by y को t बोलूंगा, ठीक है। देख सकते हो होमोजेनियस है ना, यहां पे लैम्डा बचेगा ही नहीं और यहां पे भी नहीं बचेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। x by y को t बोले तो x बराबर क्या हो गया, t पर, ठीक है। इस बार मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट। तो x का डिफरेंशिएशन तो dxy dy इज इक्वल्स टू, t का डिफरेंशिएशन dty dy, तो इसका किए तो इस प्रोडक्ट को तो इसको एज इट इज या y प्लस t को कांस्टेंट तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1 या, ठीक है। मतलब x और y इंटरचेंज हो गया, बेसिक यहाँ dy by dx आता था, यहाँ x आता था, यहाँ x आता था, वही तो आया, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएगा, बट कभी कभी कैलकुलेशन को देखते हुए हम उल्टा तरीके से भी करते हैं, ठीक है ना। तो रख तो यहाँ पे dx by dy क्या है, y times dt by dy plus t बराबर माइनस e की पावर t 1 माइनस t अपॉन 1 माइनस e की पावर t, ठीक है, हो गया। अब t उधर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको मिटा दें, तो क्या हो जाएगा, y टाइम्स dt by dy इज इक्वल्स टू, इस माइनस को मैं सोच रहा हूं अंदर भेज दूं, तो e की पावर t t माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस e की पावर t माइनस t। एलसीएम ले लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई t प्लस e की पावर t इनटू t अपॉन 1 माइनस e की पावर, ठीक है। ये हो गया, तो ये और ये मिलके क्या हो गया, 2 टाइम्स e की पावर t इनटू t माइनस e की पावर t माइनस t अपॉन 1 माइनस e की पावर t, ठीक है। और ये किसके बराबर है, y टाइम्स dt by dy, ठीक है। तो उस सबको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर t अपॉन 2 टाइम्स e की पावर t इनटू t माइनस e की पावर t माइनस t dt बराबर dy अपॉन y, ठीक है। नोट कर लो यहां तक, कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो थोड़ा सा कैसे इंटीग्रेट होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो जो क्वेश्चन था वो इसमें रिड्यूस हो गया, है ना।
ठीक है, यूज करना चाहते हो क्या? तो ठीक है, तुम लोग मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूंगा, तब तक तुम लोग इसको सोचो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दो कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप बाकी सारा चीज जो इसके पहले जो मैंने पार्ट डिस्कस किया जो भी यूज हो रहा था, ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगी चीजें, ठीक है क्या?